सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे IPS। चैनल दिस इज मी आनिया। आज फाइनली मैं IVS के बारे में बताऊंगी। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था बट मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बात कर लूं। IVS जो क्लिफ्टन में एक स्कूल है, क्लिफ्टन कराची में एक स्कूल है जिसका फुल फॉर्म है इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इट्स अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ से आप फाइन आर्ट्स और टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइनिंग ये सब कुछ कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उधर, तो आप वो सब कर सकते हो। मैं कैसे IVS में गई और मैं क्यों गई? सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था IVS का, ना ही कोई मेरे जानने वाला था, ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता थी। हुआ ये कि मुझे फाइन आर्ट का शुरू से शौक था, मतलब स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग इन सब का। तो मेरा हमेशा से था कि जब मैं खुद अर्निंग करने लगूंगी तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं से सीखूंगी इसको प्रॉपर। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मैं काफ़ी सारी गर्ल्स के ग्रुप्स में हूँ, तो उसमें मैं पढ़ रही थी, किसी लड़की ने पूछा हुआ था, तो उधर नीचे किसी ने लिंक दिया हुआ था IVS का कि यहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो मैंने वो लिंक क्लिक किया, वेबसाइट खुल गई, वेबसाइट पे गया मैं, डिप्लोमाज में मैंने सर्च किया, वहाँ पे फाइन आर्ट था। तो फाइन आर्ट इसमें तो फाइन आर्ट नहीं कहते IVS वाले, बेसिकली इसको स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग कहते हैं। पीछे जो भी आवाज़ें नहीं, प्लीज़ उनको इग्नोर करें क्योंकि दिन के टाइम वीडियो बनाने का ये मसला है और ये रोड है तो रोड पे बहुत आवाज़ आती है। स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग कहते हैं IVS वाले उसको। और उस डिप्लोमा को जब मैंने उसको देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स पढ़ी। उसमें ये था कि 7500 मुझे जो है उसका एडमिशन फ़ी पे करना है और उसके बाद जो है मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी और उसके बाद इंटरव्यू फाइनलाइज होगा, तो उसके बाद जो है मुझे 50,000 पे करना होगा जो कि मेरी पूरी 6 मंथ की फ़ी होगी। ये डिप्लोमा जो है 6 मंथ का है। आप भी वेबसाइट पे जाएं अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वेबसाइट पे सारा डिप्लोमा का एक सेक्शन है, उसमें सारा कुछ मेंशन है कि कौन कौन से फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हो। और मैंने 6 मंथ किया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, इट वाज नाइस, मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मिली और इसके अलावा टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और जैसे सर अबरार बहुत अच्छे थे, सर खालिद बहुत अच्छे थे। सो यस, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज नाइस, इट वॉज फन। अभी जो है मेरी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, अभी मैं वेट कर रही हूँ जूरी का। जूरी में ये होता है कि लास्ट में वो लगती है और उसमें फिर जो है वो समझो आपके एग्जामिनर्स आके आपसे पूछते हैं कि आपने क्या बनाया, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ। ओवरऑल 6 मंथ में आपने जो कुछ भी किया होता है वो आपको डिस्प्ले पे लगाना होता है और फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको डिप्लोमा मिलता है या आपकी मतलब आपको ग्रेड मिलता है और डिप्लोमा मिलता है। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी जो आपको चाहिए थी। अगर नहीं मिली है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप IVS की जो वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करें, इससे आगे कोई वे नहीं है। मैं क्योंकि मैंने खुद भी जब स्टार्ट किया था, मुझे भी किसी ने कोई गाइड नहीं किया था, मैंने खुद रैंडमली बस एडमिशन लिया, वो हो गया और मैंने स्टार्ट कर दिया डिप्लोमा। डिप्लोमा में बहुत आराम से एडमिशन हो जाता है, बस इस बात का ख्याल रखना कि आपको बेसिक आता हो, मतलब बिल्कुल भी बिगिनर का नहीं है, थोड़ा सा बेसिक आपको ड्राइंग का कुछ ना कुछ पता हो, ड्राइंग स्पेशली, क्योंकि सारा कुछ जो एट द एंड ऑफ द डे ड्राइंग पे डिपेंड करता है। तो ये है, इसके अलावा फोटोग्राफी है, फाइन आर्ट है, ब्रांडिंग है, ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ है। सो यस, गुड लक एवरीबॉडी जिसको जिसको एडमिशन लेना है। मैंने तो शौक पूरा कर लिया। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टेक केयर, बाय।